सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड भाई लोग, आज हम आए हुए हैं वाराणसी TVS पहाड़िया शोरूम में। आज आपको एक ऐसी गाड़ी दिखानी है जो आप लोग देखेंगे तो मतलब खुश ही हो जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बताएं क्या, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। और उसके बाद दिखानी है आपको एक ऐसी गाड़ी जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी स्ट्रॉन्ग, अपने सेगमेंट में इसका कोई टक्कर नहीं है भाई। देखो ये है, ये रोनिन है और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में इसका कोई टक्कर नहीं है। 225 सीसी का इंजन है इसका। आगे से सस्पेंशन देख लीजिए और इसका टेल लैम्प, इसका हेडलैम्प देख लीजिए और इसका टायर देख लीजिए, इसका डिस्क ब्रेक देख लीजिए। आज आपको इसके बारे में सब चीज़ बताएंगे, जैसे कि इसका टैंक कैपेसिटी कितना है, इंजन कितना है और इंजन में BHP और न्यूटनमीटर टॉर्क कितना है, आपका LED किस प्रकार का बिहेव करती है रोड पे, और डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS है या डुअल चैनल ABS, सब चीज़ें आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ेगी और आपको डाउन पेमेंट कितना देना होगा। और उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताएंगे, आपको सारी चीज़ों से वो कराएंगे। और चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं इसके टैंक से। जो इसका टैंक है 14 लीटर का, और इसमें कम से कम मिनिमम तेल होना, फ्यूल होना चाहिए 2.5 लीटर्स, क्योंकि इसमें मोटर लगे हुए हैं, अगर ज़रा सा भी अगर डिसबैलेंस हुआ तो मोटर जल जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें भाई। आजकल BS6 जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, सब गाड़ियों में ये सिस्टम दिया हुआ है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये 225 सीसी का इंजन है जो BSP प्रोड्यूस करता है 7,500 RPM पे 20.4 BSP, और 6,000 RPM पे 6,000 RPM पे 20.93 न्यूटनमीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। और उसके बाद अगर हम इसके सीट की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीट है, मतलब कि मेल टू फीमेल कोई भी इस पे बैठ सकते हैं, कोई मतलब 1% भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और सबसे पहले और ये भी बात कर लेते हैं कि मतलब इसमें कहाँ कहाँ मेटल है और कहाँ कहाँ फाइबर है। तो देखिए, ये मेटल हो गया और ये फाइबर हो गया, और ये हो गया फाइबर और ये हो गया मेटल, ठीक है, ये हो गया मेटल। और उसके बाद ये होगा पीछे का डिस्क ब्रेक जो मशीन पे फाइबर लगा हुआ है, तो ये तो हटा सकते हैं आप लोग भी। और यहाँ पे भी फाइबर लगा हुआ है जहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा। और उसके बाद इसके अगर बात कर लें अगर इसके उसके बाद अगर बात कर लें इसके साइलेंसर के बारे में, एग्जॉस्ट के बारे में, तो इतना तगड़ा, इतना लाउड आवाज़ इसका है कि जो हमने सुना भाई, मतलब कि रॉयल इनफील्ड थंडर, अरे वो रॉयल इनफील्ड मेटियोर और रॉयल इनफील्ड क्लासिक से भी अच्छी आवाज़ है। देखिए इसका मतलब आपको कस्टम एग्जॉस्ट लगवाने का आउटर मार्केट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए तीन अंगुली, ये देख रहे हैं ना, ये तीन अंगुली इसमें चली जा रही है, तो मतलब इतना चौड़ा है इसका ये साइलेंसर। और उसके बाद पीछे से ये टेल लैंप देख लीजिए इसका, कितना हैवी, कितना ब्रोटर लगता है, कितना यूनिक सा है यार, सब गाड़ियों से हट के है। और ये जो इंडिकेटर है राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड का, ये काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं रोड पे। और उसके बाद अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात कर लें तो ये देख लीजिए आप लोग, 70 इंचेस के टायर रियर में दिए गए हैं। और फ्रंट में अगर हम बात कर लें तो फ्रंट में टायर जो है 110 and 70 inches का टायर फ्रंट में है। और अगर हम इसके डिस्क ब्रेक की बात कर लें तो ये 300 mm के डिस्प्लेट आगे लगे हुए हैं। अगर रियर डिस्प्लेट की बात कर लें तो ये 280 mm के रियर में लगे हैं, और डुअल चैनल ABS के साथ आती है ये गाड़ी। और इसके अब हम बात कर लेते हैं हेडलैम्प की। तो ये देखिए TVS की गाड़ी है। आजकल हर गाड़ियाँ जो अपनी अपनी गाड़ी को लॉन्च कर रही हैं, बना रही हैं, तो अपने अपने गाड़ियों में बाबू अपने अपने गाड़ियों में सभी गाड़ियाँ, मतलब कि हीरो की गाड़ी है तो वो यश बना रही है, होंडा की गाड़ी है तो वो भी होंडा का लोगो दे रही है, उसी तरह TVS अपने फ्रंट में ही हेडलैम्प में भी TVS का लोगो यहाँ पर लगा दिया है एक प्रोजेक्टर के रूप में। और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं LED, यहाँ पे भी कुछ दिए गए हैं LED दो भाग में, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब इसके बात कर लेते हैं हम
इसके मिरर की, तो ये मिरर आप लोग देख सकते हैं, जैसे सुपर बाइक्स में जैसे हार्ले डेविडसन वगैरह हो गया, ऐसे गाड़ियों में जो मिरर दिया जाता है वो वही मिरर इसमें भी दिया गया है। और कुछ आप लोग देख सकते हैं कि इसका मॉडल आगे से लगता कैसा है, इतनी पूरी खाली खाली से लगती है, मतलब इतना शोर, मतलब आप देखेंगे गाड़ी को तो कह नहीं सकते कि मतलब ये 225 सीसी की एकदम हार्ले डेविडसन 700 की तरह लगती है ये गाड़ी देखने में। और अगर आप अपने मीटर कंसोल में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये मोड का बटन दिया हुआ है, आप यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। और ये हो गया कुछ स्टार्टिंग किल, और ये हो गया सेल्फ, और ये हो गया इंडिकेटर्स, अरे और ये हो गया हजार्ड, और ये हो गया इंडिकेटर्स, और ये हो गया हाई एंड लो, और ये हो गया पासिंग बटन, और ये हो गया इसका हॉर्न, ये हो गया इसका हॉर्न। और सबसे तगड़ा चीज़ देखेंगे अपने सेगमेंट में, इसके सेगमेंट में जो सबसे तगड़ी चीज़ हमको लगती है वो ये देखो, ये है भाई, ये है, ये एडजस्टेबल लीवर दिया हुआ है, मतलब कि 390 जो आती है KTM का उसमें दिया गया है। बगिया 225 250 350 सीसीओ में कहीं पे भी मतलब कि एडजस्टेबल लीवर है ही नहीं। इसमें हमको सबसे अच्छी ये बात लगती है कि ये गाड़ी जो है तकरीबन 2 क्विंटल की वेट तक आती है, और इसमें डुअल स्टैंड भी दिया गया है, मतलब कि ये स्टैंड तो है ही, इस स्टैंड के साथ साथ यहाँ पे भी स्टैंड दिया गया है। और इसके जो इसका जो चैन है, इसका जो चैन स्पॉकेट है, मतलब पूरा कवर कर दिया गया है इसको फाइबर के फ्रेम से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और ये हो गया कुछ इसका सपोर्टिंग गार्ड, और जैसा कि भाई लोग आप लोग देख सकते हैं इसमें जो सस्पेंशन आगे दिया गया है ये USD अप डाउन सेट सस्पेंशन दिया गया है, जैसे कि मतलब 225 सीसी के सेगमेंट गाड़ी में इतनी तगड़ा सस्पेंशन, जैसे डोमिनार 400 देख लीजिए, हार्ले डेविडसन देख लीजिए, जैसे उन सब मतलब जो सुपर बाइक्स में मतलब सस्पेंशन दिया जाता है ना, ऐसे सस्पेंशन इस गाड़ी में दिया गया है। और आपको हम सारी चीज़ों से रूबरू करवा दिए, इंजन भी बता दिए, टैंक भी बता दिए, टायर भी बता दिए, डिस्प्ले भी बता दिए, और ABS भी बता दिए, मिरर भी बता दिए, सीट भी बता दिए, और अब सिर्फ बचा है एक चीज़ जो है इसका मीटर कंसोल। और मीटर कंसोल के बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ बताइए भैया, इसमें क्या क्या है? इसमें आपका पहले आपका फुली डिजिटल मीटर मिलता है आपको, जी जी ठीक है, इसमें कई कई चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रल, आपका न्यूट्रल है, आपका जैसे गाड़ी न्यूट्रल रहता है तो आपका न्यूट्रल इंडिकेट करता है। इसमें आप मीटर में देखते हैं न्यूट्रल, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, न्यूट्रल प्लस 1 2 3 4, जैसे ही आप गियर शिफ्टिंग करेंगे आपका इंडिकेट करेगा यहाँ पे। अच्छा, अब मीटर कंसोल थोड़ा सा राउंड है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड गियर से ही रिलेटेड एक चीज़ है, यहाँ गियर सेफ्टी की इंडिकेटर, जी ठीक है, इसमें ये चीज़ होता है, इसके साइड में एरो बना रहता है। अच्छा, न्यूट्रल के राइट साइड में एरो बनाता है, जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड होती है। अच्छा, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। और ये जो लाइट है वो ये MIL लाइट बोलती है, माल फंक्शन लाइट। अच्छा, ठीक है, ये इंजन से रिलेटेड होती है चीज़ें, ये आपको मिलती हैं जैसे आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो ये अगर रेगुलर जाते हैं इंजन स्टार्ट होने के बाद भी तब आपके इंजन में कोई दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसमें दो मोड आते हैं, एक अर्बन और रेन मोड, ये स्पोर्ट गाड़ी नहीं है, ये स्पोर्ट गाड़ी नहीं, इसलिए आपको इसमें दो मोड मिलते हैं, ठीक है, अर्बन और रेन मोड, ठीक है जी। इसमें आपका किलोमीटर है, इसमें एक आता है, इसमें दो ट्रिप आते हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी, ठीक है, ट्रिप ए और ट्रिप बी से फ़ायदा ये होता है, जैसे कि नॉर्मली आप ट्रिप ए में चलते हैं आप चल रहे हैं, ट्रिप बी में आप सर्विस रिमाइंडर करके लेके चल सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके बाद इसमें इंडिकेटर आपका मैं ऑफ करके फिर से इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। अब इसको जैसे ही ऑन करते हैं ये आपका फ्यूल है, ठीक है, ये आपका डिपर है, इसके बाद आपका ये ब्लूटूथ इंडिकेट कर रहा है, ये आपका RPM है, ये घड़ी है, ऑडोमीटर आता है इसमें, यहाँ पे शॉर्ट सेट करने के लिए आता है ट्रिप ए और ट्रिप बी, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी का नया ऑप्शन आया हमारे पास, आपको इसमें ये इंडिकेट करता है कि कितने तेल में आप कितना किलोमीटर चल सकते हैं, आपका फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी में, फ्यूल कितना, ये आपको इसमें इंडिकेट करता है आप कितने तेल में आप कितना चल सकते हैं, ये चीज़ आपको इसमें दिखा। प्लस स्मार्ट कनेक्ट किया है, ये फ़ायदा है आप इसमें कॉल अलर्ट, आपका कॉल जैसे ही कॉल आएगा इसमें आपको रिमाइंड करता रहेगा, ठीक है, किसका कॉल आया है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप कॉल जैसे आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइव करते समय आपका कॉल आया आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा किसका कॉल आ रहा है, आप इंपॉर्टेंट कॉल हो तो आप रिसीव कर सकते हैं रोक के, ठीक है। SMS अलर्ट है, SMS आपका इंडिकेट करेगा। प्लस इसमें नेविगेशन है,
जी नेविगेशन इसमें आपको ये चीज़ इंडिकेट करेगा, आप जैसे ही इसमें नेविगेशन लगाएंगे आपको इंडिकेट करेगा या आप गाड़ी आप कैश टर्न लेफ्ट टर्न राइट आपको इंडिकेट करती रहती है ये चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये चीज़ें आपका वॉच है ही, किलोमीटर आपका है, ये चीज़ें गियर आपका ऑर्मन हो गया, सेट हो गया, न्यूट्रल हो गया, लगभग लगभग सारी चीज़ों को आपने आप तो बता ही दिए। हाँ। और ये चीज़ें ISG आते हैं, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। अच्छा। अब लोग बोलते हैं ना कि इसमें सेल इसमें कीक नहीं आ रहा है, लोग बोलते हैं ना बड़ी गाड़ियों में कीक नहीं आ रहा, तो ये सेल से रिलेटेड है। अगर आपके सेल में कोई भी दिक्कत आती ये तो आपको पहले ये इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि आपके सेल में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। और ये जो है साइड स्टैंड हो गया और ये ABS हो गया, इसमें डुअल चैनल ABS आता है। सारी चीजों को हम समझ गए। और एक चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है ये आई स्विच, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें जैसे स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स में जो स्मार्ट कनेक्ट हमारा है ये इसमें ये स्विच बटन आता है, इसमें हमारा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट आता है। तीन लोगों का ये गाड़ी में खासियत है कि अगर गाड़ी कहीं आपके गिर गई या कहीं की कुछ बैंड हो गया तो ये चीज़ें आपको SMS अलर्ट भेज देती है, आपके जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपने ऐड किया है उस पर आपको SMS अलर्ट भेज देता है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई। सपोज़ करिए कि गाड़ी अगर कहीं गिर गई स्टैंड पर से तो भी ये आपको SMS भेज देता है। तो इस SMS को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि गाड़ी गिरी है लेकिन घर वालों को तो नहीं पता है कि आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपका, तो इसको स्टॉप करने के लिए विद इन 20 सेकेंड आपको इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा। इस बटन को आप प्रेस कर देंगे वो SMS जाना स्टॉप हो जाएगा। प्लस इस फीचर इस जो अगर कॉल आता है, बाकी गाड़ियों में नहीं है ये चीज़, जो भी स्मार्ट कनेक्ट वाली गाड़ियाँ हैं इसमें कॉल डिस्कनेक्ट का ऑप्शन भी है, आप इससे लॉन्ग प्रेस करेंगे कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे हम आपको सारी चीज़ों को बता दिए और ये चीज़ रह गया है और जो इसको हम आपको दिखाने वाले हैं और ऐसे में आपको हम सारी चीज़ें बता दिए और एक चीज़ रह गया और जो हम आपको बताने वाले हैं कि मतलब इसका डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा और आपको ऑन रोड ये कितने की पड़ेगी तकरीबन ये भी बताना है, आपको बता देते हैं इस गाड़ी की। अब हम इसके बात कर लेते हैं इसका जो डाउन पेमेंट है और ऑन रोड प्राइस। देखिए ऑन रोड प्राइस इसका 204,000 ऑन रोड प्राइस है जिसमें से आपको 50,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और 6880 रुपया मंथली आएगा 30 मंथ के लिए। और उसके बाद इस यहाँ पे जहाँ पे हम इस वक्त हैं ये है मिश्रा TVS और मिश्रा TVS में हर वेरिएंट हर कलर हर सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं TVS की और चाहे आपको जो कलर चाहिए आपको एक से दो दिन में मंगा कर दे देंगे, ऐसे अवेलेबल होता है इनके पास। मान लीजिए जो अगर कलर आपको चाहिए नहीं मिल पाया तो वो ये आपको अवेलेबल करा के दे देंगे मिश्रा TVS में हम इस वक्त हैं। तो आपको हम सारी चीज़ें बता दिए और आप 50,000 लेके आओ गाड़ी लेके जाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और बाय बाय।